कुछ ऐसी घटनाओं को भी देख रहे हैं जिसके ऊपर विपक्ष का किस प्रकार से रवैया है, हमें यह जरूर कुछ सोचने पर मजबूर करता है। साथियों, हमारे बीच में आज तुहीन सिन्हा जी हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीय मीडिया सेल से हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये एक विख्यात लेखक भी हैं। इस विषय के ऊपर ये आपके समक्ष कुछ बातें रखेंगे। साथ में ही है एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जो हमारे वरिष्ठ हमारे स्पोक्स पर्सन है। तो मैं गुजारिश करूंगा सिन्हा जी से कि वो अपनी बात रखें। नमस्ते मित्रों, आज 3 बजे जो है कुछ और में आप व्यस्त होने वाले हैं, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किसी और विषय पर है, और ये विषय जो है वो इलेक्शन से परे है, राजनीति से परे है, क्योंकि पिछले 8-9 दिनों में जिस प्रकार से पहले हमने एक हृदय विदारक रेप देखा कलकत्ता में, जहां की एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एक युवा डॉक्टर का रेप होता है, लेकिन जितना जघन्य वो अपराध था उससे कहीं अधिक जघन्य था जिस प्रकार से एक राजनीतिक पार्टी ने, बजाय इसके कि वो विक्टिम के साथ खड़ी हो, उस राजनीतिक पार्टी ने यह निश्चय किया कि वो बलात्कारियों के साथ खड़ी होगी, और बलात्कारियों का और क्रिमिनल्स का संरक्षण चल रहा था। ये भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह का, जो कहते हैं, नग्न एक तरह से दृश्य देखा हमने, कि जब एक महिला चीफ मिनिस्टर ने पूरी तरह से एविडेंस के डिस्ट्रक्शन में, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में उनका हाथ था। ये क्यों आज इस कड़ी में जो है, चूंकि ये विषय, मैं आपको इसके डिटेल्स कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन ये विषय जो है इतना गंभीर है, आज पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि ये दूसरी बार आज से ढाई तीन हफ्ते पहले इसी प्रकार का एक हादसा जो हुआ अयोध्या में हुआ था, जहां एक मोहित खान ने एक 12 साल की बच्ची को निरंतर 2 महीने तक वो रेप करता रहा। मोहित खान जो है समाजवादी पार्टी का लोकल यूनिट का प्रेसिडेंट था, और जिस बेशर्मी के साथ अखिलेश यादव उसके पक्ष में खड़े हुए, और अब जिस प्रकार से ममता बनर्जी जो है वो रेपिस्ट के पक्ष में खड़ी हो रही है, मेरे ख्याल से ये इस प्रकार की विकृत मानसिकता हमारे देश में राजनीति में इससे पहले नहीं देखी गई। मैं संक्षेप में आपको जो है ये प्रकरण बताऊं। आज से लगभग 8-9 दिन पहले पहली बार इस घटना के बारे में हमें जानकारी मिली, क्योंकि मैं विक्टिम का नाम नहीं लेना चाहता, विक्टिम को अभया कहा जा रहा है, और ये कांड इतना ही घिनौना है जितना निर्भया कांड था। 31 साल की एक महिला को आरजे कर मेडिकल कॉलेज, जो कि कैलकटा के बिल्कुल मध्य में है, वहां पर मध्य रात्रि उसके साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उसको मारा जाता है, और उसके बाद उसके घर वालों को फोन आता है कि उसने सुइसाइड की है। सबसे पहला सवाल यहां उत्पन्न होता है कि सुइसाइड क्यों कहा गया, क्योंकि जो व्यक्ति वहां का डीन है संजय रॉय, जो अब जिसका तबादला हुआ है, जिसको भेजा अगले उसको ट्रांसफर किया गया है, संजय रॉय इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने में माहिर रहा है, जहां की ये मेरे ख्याल से चौथी ऐसी इंस्टेंस है पिछले 15 सालों में, और लंबे समय से वो डीन रहे हैं, जहां की स्टूडेंट का सुइसाइड, स्टूडेंट की मृत्यु को सुइसाइड की संज्ञा दी गई, लेकिन वो मृत्यु जो है हमेशा शक के दायरे में रही, हमेशा रहस्य में रही। तो पहला सवाल कि संजय रॉय ने इस मर्डर को सुइसाइड क्यों बताया, और पहले एक दिन यही नैरेटिव चला उनके पेरेंट्स को, और जो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जिस प्रकार से जो विक्टिम है उनकी पड़ोसी बयां कर रही है, जो दृश्य वो मैं आपको, बहुत से लोग जो देखे रहे हैं वो कांप उठ रहे हैं, वो उसमें मैं जाना नहीं चाहता इस वक्त। दूसरा सवाल, जो दरिंदगी विक्टिम पर की गई, उसी के चश्मे को तोड़कर उसी की आंखों में घुसाया गया, लगभग 150 ग्राम एक बॉडीली एक फ्लूइड वहां पर प्राप्त हुई, जो जिसने ऑटोप्सी की
वो पूरे दावे के साथ कह रहा है कि ये क्राइम एक व्यक्ति के द्वारा किया जाना लगभग नामुमकिन है, कम से कम इसमें दो और संभवतः तीन व्यक्ति शामिल है। लेकिन अगले 5-6 दिनों तक कलकत्ता पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय एक संजॉय रॉय को विक्टिम एकमात्र कल्प्रिट बताकर, एकमात्र मुजरिम बताकर पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक तरह से उस पर लिपापोती करने का काम किया। अच्छा, ये संजॉय रॉय कौन है? संजॉय रॉय वो व्यक्ति है जो पुलिस का एक टी शर्ट पहन के घूमता था, कोलकाता पुलिस की एक टी शर्ट पहन के घूमता था और ये इंप्रेशन देता था कि वो कोलकाता पुलिस में ही काम करता है, उन्हीं का एक खबरी है या उन्हीं का एक एम्प्लॉय है। तो आप ये सोचिए, एक तरफ संदीप घोष जो कि एक ऐसा डीन है जिस पर कि अब बहुत सारे लोग आकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसे लेकर पास कराता था, अन्यथा बच्चों को फेल कराता था, इस पर बायो वेस्ट जो मेडिकल प्रोडक्ट्स है जैसे सिरिंजेस हैं उसकी तस्करी का आरोप लग रहा है और ये आरोप भी उसी अस्पताल के पहले के एम्प्लॉयज लगा रहे हैं। टीएमसी के ही एक राज्यसभा सदस्य और टीएमसी के ही प्रवक्ता, जिनको आज प्रवक्ता के पद से हटाया गया है, शांतनु सेन स्वयं इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि इस अस्पताल में निरंतर गड़बड़ियां चल रही थी। इसमें उनका एक निजी कारण भी है कि उनकी स्वयं उनकी बेटी जो है इसी कॉलेज में पढ़ती है और कोई भी पिता निश्चित रूप से जब ऐसे हादसे होता देखेगा तो वो उसका दिल पसीज जाएगा, वो घबराएगा। ममता बैनर्जी जो है उनमें कोई इमोशन नहीं है तो स्वाभाविक है कि उनको इन बातों की चिंता नहीं होती। लेकिन शांतनु सेन खुद कल से बयान दे रहे हैं कि जितनी अनियमितताएं और जितनी गड़बड़ियां इस कॉलेज में चल रही थी, सरकार को इस पर, बंगाल की सरकार को इस पर कहीं इस पर पहले एक्शन लेना था। अच्छा, संदीप घोष जो कि डीन थे उनको 4 घंटे के लिए हटाया जाता है। जब प्रोटेस्ट शुरू हुए, जब ये सवाल के घेरे में आए तो 4 घंटे के लिए उनको हटाया जाता है। लेकिन 4 घंटे के बाद उन्हीं को कोलकाता के अंदर ही प्राइम लोकेशन में दूसरे कॉलेज में डीन बनाया जाता है। तो सवाल यहां पर 3-4 बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ममता बैनर्जी जो कि गृह मंत्री भी है बंगाल की, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी है, किस प्रकार की लेगेसी छोड़ना चाह रही है। एक तरफ जो है संजॉय रॉय जैसे लोग पुलिस की वेस्ट में 12-1 बजे रात को जो है वो किसी भी कॉलेज में एंटर कर सकते हैं, किसी भी महिला का रेप कर सकते हैं, दूसरी ओर संदीप घोष जैसे डीन जो कि गोरख धंधा अपनी निगरानी में गोरख धंधा को अंजाम देते, तरह तरह के गोरख धंधों को अंजाम देते हैं अपनी ही कॉलेज में। तो मेरे ख्याल से ये इतना खुला केस है ममता बैनर्जी के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का कि अगर होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर होने के साथ साथ अगर ये सब कलकत्ता के बिल्कुल मध्य में उनकी आंखों के सामने हो रहा था तो कहीं ना कहीं ममता बैनर्जी को जिम्मेदारी लेकर त्याग पत्र देना चाहिए, क्योंकि वो एक